एनआईए ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा किया है। दरअसल हैदराबाद में गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने भारत में लोन वुल्फ अटैक की योजना बनाई थी। पूछताछ में ये भी पता चला है कि आईएसआई और लश्कर इनके साथ संपर्क में थे और हैदराबाद में हमलों के लिए ग्रेनेड उपलब्ध करा रहे थे। हैदराबाद के 3 निवासियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी में ये भी बताया गया है कि इन लोगों को सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए सार्वजनिक समारोह और जुलूसों में हैंड ग्रेनेड फेंकने का निर्देश दिया गया था। पाकिस्तान स्थित आकाओं ने अब्दुल जाहिद को ये काम दिया था। वो हैदराबाद में आतंकवाद से संबंधित कई मामले में आरोपी है। प्राथमिकी में बताया गया है कि आईएसआई और एलएटी के निर्देश पर जाहिद ने मार्च समयउद्दीन समेत अन्य कई युवकों की भर्ती भी की थी। प्राथमिकी के अनुसार जाहिद ने अपने पाकिस्तानी आकाओं के निर्देश पर अपने गिरोह के सदस्यों के साथ हैदराबाद शहर में विस्फोटों और लोन वुल्फ हमले समेत आम लोगों के मन में आतंक पैदा करने के लिए आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। इसमें कहा गया है कि ये भी पता चला है जाहिद को पाकिस्तान स्थित आकाओं से हैंड ग्रेनेड मिले थे। वह सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों पर हमला करने की योजना बना रहा था। दराराबाद पुलिस ने जाहिद के घर से 2 हैंड ग्रेनेड, 2 मोबाइल फोन और 3,91,800 रुपए जब्त किए थे। पुलिस ने उसके खिलाफ 1 अक्टूबर 2022 को यूएपीए के आरोपों के तहत मामला दर्ज कर लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय के काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया है। जाहिद के अलावा पुलिस ने माज हसन फारूक और सईमुद्दीन के खिलाफ भी यूपीए का मामला दर्ज कर लिया है।